हेलो फ्रेंड, आपका वेलकम है ऑल इन वन क्लासेस में। आज हम देखेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटी एक्सरसाइज 8.1। हमें ये देखना है क्या, तो हमें ये देखना है फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग स्पीड ऑफ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ द स्कूटर, यानी कंपेयर करना है हमें साइकिल और स्कूटर को। नीचे सेकंड क्वेश्चन देवा इसमें 5 मीटर टू 10 किलोमीटर, तो सिंपली हमें 5 मीटर को 10 किलोमीटर में उसका रेशियो निकालना है और नीचे सीए 50 पैसे को 5 रुपीज में कन्वर्ट करना है। चलिए हम देखते हैं किस तरह इसको सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले जो आंसर है उसे फिर से राइट करता हूँ थोड़ा। आंसर हम सॉल्व करेंगे पहले ए का हम देखेंगे रेशियो। तो सबसे पहले मैं राइट करता हूं स्पीड ऑफ साइकिल, स्पीड ऑफ साइकिल कितनी है, स्पीड ऑफ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर, जो गिवन है पहले राइट कर दीजिए 15 किलोमीटर पर आवर। अब उसके बाद में हम देखेंगे स्पीड ऑफ स्कूटर एज इट इज, स्पीड ऑफ स्कूटर कितना है 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये जो गिवन था मैंने राइट कर दिया। हमें इसका निकालना है रेशियो, तो हम यहां पर राइट कर सकते हैं हेंस रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साइकिल टू द दैट ऑफ स्कूटर। तो हम इसमें निकाल सकते, तो यहां पर राइट करना पड़ेगा आपको रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साइकिल टू दैट ऑफ स्कूटर। तो इनका रेशियो कितना है, मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूं तो आपको समझने में आसानी आएगी। इज इक्वल टू देता हूं मैं यहां, और कितना है 15:30, 15 किसका है साइकिल का और 30 किसका है स्कूटर का। तो जब 15:30 तो हम तुम्हें पता है हम किस तरह राइट करते हैं इसे, हम इसे इस तरह राइट करते हैं 15/30। जब भी हम रेशियो को राइट करते हैं इस तरह राइट करते हैं, आप पता है 15 और 3 और ये 15 कितना होगा, या तो फिर सिंपली इसको डायरेक्टली डिवाइड कीजिए, जैसा 15 1 15 और 15 2 30, तो इसका कितना आ गया 1/2। तो इसका रेशियो हमें कितना मिल गया, इसका रेशियो हमें मिल गया 1:2। तो ये लास्टली हमारा आंसर है। तो सिंपली हम इसे इस तरह राइट कर सकते हैं। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पे हम जाते हैं। देखिए सेकंड हमारा क्वेश्चन था उसके अंदर 5 मीटर टू 10 किलोमीटर, चलिए इसको सॉल्व करते हैं 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। तो सबसे पहले मैं आपको ये पूछना चाहूंगा मुझे एक बात बताइए 1 किलोमीटर यानी कितने मीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर, तो आप बोलेंगे सर 1000 मीटर। करेक्ट, 1000 मीटर यानी कितना होता है 1 किलोमीटर। तो मैं आपको पूछू 10 किलोमीटर यानी कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर, तो आप बताएंगे सर 10 × 1000। करेक्ट, ऊपर मैंने यूनिट लिख चुका हूं, तो कितना हो जाएगा ये 10,000 मीटर, यानी 1 किलोमीटर को हमने किस में कन्वर्ट कर दिए मीटर में। अब हमें देखना है रेशियो, हमें देखना है रेशियो। जब हमें रेशियो देखना है तो रेशियो किस तरह बनेगा हमारा मीटर मीटर का, पहले गिवन कितना है हमें 5 मीटर अपॉन, और ये जो हमने 10 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किए तो उसको जाएगा 10,000 मीटर। अब देखिए 5 1 5 और ये हो जाएगा 5 2 10, तो हमारे पास में कितना गया 1/2000, 1/2000, तो हमारे पास में रेशियो कितना बन गया
1:2000। तो ये आ गया हमारा आंसर, ये बी का आंसर निकल गया। चलिए थर्ड पे चलते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं, उसमें कहा 50 पैसे टू रुपीज 5। अब 50 पैसे तो देवा है, सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है इसमें, 5। तो आप जानते हो रुपीज 1 यानी कितने पैसे थे रुपीज 1 के, आप बताएंगे सर 100 पैसे। ठीक है, राइट नाउ 100 पैसे यानी 100 पैसे यानी कितना 1 रुपीज। तो सिंपली, तो अब मैं आपको पूछू रुपीज फाइव, तो आप बताएंगे सर 5 × 100 तो कितना आएगा 500। तो 500 पैसे हो गए हमारे पास में। ओके, 500 पैसे हो गए। अब हमें रेशियो निकालना है, तो रेशियो किसका निकालना है, रेशियो किसका निकालना है 50 पैसे टू 500 पैसे। करेक्ट, ये जीरो कट हुआ, बचा कितना मार्ज में 5/50। 5 × 1 = 5, 5 × 10 = 50। तो हमारे पास में रेशियो कितना आया 1:10। तो सिंपली इस तरह हम रेशियो निकाल सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, आपके दोस्तों को बताइए, और हमारे जो बेल है बेल पे क्लिक करना ना भूले, क्योंकि जब भी नए वीडियो आपके क्लास के आएंगे तो प्लीज हम आपको शेयर कर देंगे। तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए और आपके दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और थैंक यू वॉचिंग अवर चैनल।